हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखिए, फाइनली जो है मेरा जो है रियलमी एक्स सेवन मैक्स के डिवाइस में यार एंड्रॉयड 12 का ऑफिशियली अपडेट आ चुका है। इसको मैं अपडेट करके पूरा का पूरा दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए यार 50% डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे देखिए अबाउट दिस वर्जन में क्या क्या जो है नया इसमें ऐड किया गया, सारा कुछ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि मैं यार अपडेट करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा अच्छी प्रकार से, आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। कुछ इशू को फिक्स कराया गया और एक जो है बहुत ही अच्छा यार फीचर इसमें ऐड किया गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग वीडियो में। लेकिन अभी मैं आपको इसका डेमो थोड़ा सा दिखा दूंगा और अपकमिंग वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पे यार 1.29 GB का साइज मेरे को देखने को मिला है। किसी लोग को यार 5 GB प्लस का साइज देखने को मिला था। तो 5 GB प्लस का क्यों मिल रहा था, 1.29 GB क्यों मिला था, ये मैं ऑलरेडी आपको जो है अदर वीडियो में बताया हूँ। तो वहाँ पे आपको जो है मतलब चेकआउट कर लेना है, दूसरा वीडियो है एक और मैं कल ही अपडेट अपलोड किया था, तो उसको आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यार मेरा डाउनलोड जो यहाँ पे प्रोसेस में है, जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होता है और अभी तक आपके डिवाइस में Realme X1 Max में यार ये अपडेट देखने को नहीं मिला, तो आपको क्या करना है कि अपना मोबाइल फोन को जो है पावर बटन को प्रेस करना हो, एक बार अपना मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है, रिबूट करना है। और रिबूट करने के बाद 2 मिनट, मतलब रिबूट आपका फोन जैसे होगा उसके बाद 2 मिनट जैसे होगा, मतलब मोबाइल फोन स्विच ऑन होने के बाद, उसके बाद आपको फिर से सेटिंग में चेक करना है डाटा ऑन करके, उसके बाद आपको जो अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से करने से कभी कभी अपडेट देखने को मिल जाता है, कभी कभी मतलब नहीं भी आता है। तो मेरे को इसी प्रकार से मैंने किया, तो रिफ्रेश मोबाइल होता है, रिफ्रेश होने के बाद देखिए अपडेट मेरा आ चुका था। तो मैं जब सुबह मॉर्निंग में देखा तो यार अपडेट नहीं था बिल्कुल, मतलब रिबूट करके मैं देखा, फिर से चेक किया, तो मेरे को जो है अपडेट फाइनली आ चुका था। तो मैं यहाँ पे अपडेट करके आपको पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अपडेट जो है प्रोसेस में है, जैसे ही इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है 100%, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए यार फाइनली यहाँ पे ऑलमोस्ट डाउनलोड हो ही चुका है। अब देखिएगा, चलिए मैं आपको अपडेट करके इसको पूरा दिखाता हूँ। देखिए अब जैसे कंप्लीट हुआ मतलब यहाँ पर डाउनलोडिंग, तो यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे आपको इंस्टॉल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको जो इंस्टॉल पर क्लिक करना और आपका जो यहाँ पे वेरीफिकेशन करेगा डिवाइस का, क्योंकि यार सॉफ्टवेयर अपडेट तो वेरीफिकेशन तो करेगा ही ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यार जो अपडेट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे मैं टाइमर जो है स्टार्ट कर देता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं वीडियो को बीच में कितना कट कर रहा हूँ और कितना टाइम जो है अपडेट होने में ले रहा है। तो चलिए मैं अपना जो है स्मार्ट वॉच में जो टाइमर को स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपको जो है उससे अंदाज़ा लगता रहे कि मतलब कितना टाइम ले रहा है। तो चलिए यहाँ से मैं आता हूँ और टाइमर को चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पे टाइम है, चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इससे मतलब बस आपका मतलब यार अंदाज़ा के लिए कि कितना टाइम लग रहा है आपको खुद मतलब पता चले, क्योंकि यार वीडियो मतलब ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ। वीडियो को बीच में मैं बिल्कुल कट करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और वीडियो को मैं कट करूँगा तो वहाँ पर टाइमर आपको बिल्कुल पता चले कितना टाइम ये ले रहा है। तो टाइमर यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन जो अभी तक बूट होकर यहाँ पे ऑन भी हो चुका है। और देख सकते हैं यार स्टेज यहाँ पे प्रोसेस 7 स्टेज यहाँ पे हमें देखने को मिला है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा पास लाकर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए पहला स्टेज यहाँ पे चल रहा है और देखिए 7 स्टेज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ईच स्टेज यहाँ पे 3-4 मिनट कोई लेता है, कोई कोई मतलब यार कभी कभी 2 मिनट भी लेता है, 1 मिनट भी लेता है और 1 मिनट से कम भी लेता है। तो इसको होने देते हैं, जितना भी टाइम लेगा आपको तो आगे इस वीडियो में पता चल ही जाएगा, क्योंकि यार टाइमर को मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। तो चलिए यार इस अपडेट प्रोसेस को होने देते हैं। तो यार धीरे धीरे यहाँ पे हमारा जो है डिवाइस अपडेट होते जा रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं अपना मोबाइल फोन को आगे कर लेता हूँ। अब देखिए यार अपडेट यहाँ पे हो रहा है, जैसे 7 का 7 स्टेज यहाँ पे कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा मोबाइल को मैं जूम यहाँ पे कर दिया हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से नजर आए। तो बीच में वीडियो को कट करूंगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं वीडियो को जो बीच में कट कर दिया था, और कट करने के बाद यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यार 5 मिनट 13-14 सेकंड यहाँ पे हो चुका है और फाइनली जो हमारा जो स्टेज अब कंप्लीट होने ही वाला है, क्योंकि यार 5 मिनट यहाँ पे हो चुका है। तो यार थोड़ा देर बस और इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार जैसे ही हमारा खत्म हुआ उसके बाद तो यार आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यार थोड़ा सा बस आप लोग सब्र कीजिए, पूरा मैं यहाँ पे आपको वीडियो मतलब दिखाना चाहता था, लेकिन यार वीडियो जो है मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं 5 या 6 स्टेज यहाँ पे फाइनली कंप्लीट चुका है। 7 मिनट देखिए टाइमर चल रहा है, 7 मिनट हो चुका है, देख सकते हैं 7 मिनट और यार 6 स्टेज फाइनली कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए यार होने देते हैं इसको भी। तो फाइनल देखिए फाइनल स्टेज पे फाइनली आ चुका है, 7 of 7 यार 7 स्टेज मतलब लास्ट स्टेज यहाँ पे जा रहा है। और 7 मिनट देखिए यहाँ पे टाइम हो चुका है, 7 मिनट बिल्कुल यहाँ पे ले लिया। तो करीब यार मतलब 10 मिनट का टाइम लग सकता है, और जब आप अपडेट करेंगे तो आपका डिवाइस जो है 50% से बैटरी ऊपर चार्ज होना चाहिए, तभी आप अपडेट कीजिएगा। अदरवाइज यार क्रैशिंग वगैरह का इशू भी होता है, तो आपको मतलब ध्यान रखना है अपडेट करते समय क्रैशिंग इशू ना आए। तो 7 मिनट हो चुका है, फाइनल स्टेज भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होने ही वाला है। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद जो है मेरा फ़ोन देखिए अब कंप्लीट हो चुका है।
और कंप्लीट होने के बाद देख सकते हैं यार बूट का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, फ़ोन जो है यहाँ पे ऑफ हो चुका है और ऑफ होने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन होगा, आपको कुछ ही प्रेस करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। तो फाइनली देखिए यार हमारा फ़ोन जो है बूट हो चुका है, रियलमी का ब्रांडिंग भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है और 8 मिनट यहाँ पे देखिए हो चुका है, टाइमर भी आप लोग देखते रहिए। तो इसको यहाँ पे होने देते हैं, क्या आगे का प्रोसेस होता है मतलब आपको तो पता ही होगा, तो यहाँ पे होने देते हैं। अब देखिए यार हमारा फ़ोन जो है फाइनली बूट हो चुका है, अब यहाँ पे ऑन होगा कुछ ही समय, बस यहाँ पे टाइम लगेगा, यहाँ पे भी मतलब यार 2 से 3 मिनट टाइम लेता है कभी कभी, तो यहाँ पे जितना टाइम लगेगा वो टाइमर आपको पता चलेगा। तो इसको यहाँ पे ऑन होने देते हैं, वेट करते हैं ऑन होने का। तो यहाँ पे आप लोग देखिए यार फाइनली हमारा जो है फ़ोन अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। चलिए यहाँ पे देखिए टाइमर आप लोग देखिए, करीब यहाँ पे 9 मिनट टाइम लगा, 9 मिनट में यार सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी टाइम लगेगा, 9 मिनट बस आपको इंतजार करना है और फाइनली देखिए मेरा अपडेट होकर और ओपन हो चुका है। चलिए मैं टाइमर को क्लोज कर इसको रखता हूँ साइड में और चलिए यार अपडेट को मैं अब आपको दिखाता हूँ यार क्या क्या इसमें ऐड किया गया, ऐड क्या किया गया तो आपको पता चल ही गया, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए यहाँ से मैं इसको लोकेशन को ऑन कर लेता हूँ। देखिए लोकेशन मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया हूँ और ऑन करने के बाद यार यहाँ पे आपको वेट करना है। अब यार यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार मेरा फ़ोन जो है 10K के अंडर वाला फ़ोन है, तो यहाँ पे लोडिंग प्रोसेस देख के आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल फ़ोन रिबूट या फिर अपडेट होने के बाद यार यहाँ पे लोडिंग होता है, कोई भी मोबाइल फोन कितना भी महंगा स्मार्टफोन हो तो यार लोडिंग इसमें होता ही है, तो वेट करना है, लोडिंग होने देते हैं। जैसे ये ऑप्टिमाइज होगा तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ फाइनली लोड हो चुका है। अब चलिए यार मैं आपको सेटिंग में चल कर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यार अपडेट हुआ, और ऑफिशियली अपडेट देख के यार काफ़ी सही लगता है कि ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, अब जो है ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार ऑफिशियल वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है और इस पर क्लिक करने के बाद पहले बेटा देखने को मिल रहा था, बेटा वर्जन, लेकिन यार फाइनली जो है ऑफिशियल अपडेट अभी देखने को मिल रहा था, यार दिल जो है यहाँ पे खुश हो चुका है। तो देख सकते हैं सारा कुछ। अब चलिए यार अबाउट दिस वर्जन में यहाँ पे आता हूँ, अपडेट लॉग में यार, तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए इसमें क्या क्या जो है नया अपडेट लोग आया हुआ है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, हालांकि मैं आपको बताया हूँ और जो ओमेजी का फंक्शन आपको देखने को मिला है उसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो में बताऊँ किस प्रकार से वर्क करता है। तो देख सकते कुछ इतना ही बस इसमें आपको देखने को मिला था। और चलिए मैं आपको जो है एक बार जो जैसे कि ये नया वाला फीचर ऐड किया गया इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो सेटिंग में आप लोग आएंगे तो टॉप में ही देखिए देखने को मिल जाएगा सबसे पहले और यहाँ पे रिमूव हो जाएगा फर्स्ट, बस एक बार के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिला। अदरवाइज जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, पर्सनलाइजेशन पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पर्सनलाइजेशन में मैं आ चुका हूँ और जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है इसमें मैं आया हूँ और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आ चुका है। गेट स्टेटस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद देखिए यार यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, परमिशंस को अलाउ करना है और परमिशंस अलाउ करने के बाद यार यहाँ पे आप कस्टम इमोजी भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। काफ़ी सही आप देख सकते हैं, काफ़ी सही से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये किस प्रकार से वर्क करता है सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो यार अभी जो है मतलब फ़ोन को जो ऑप्टिमाइज होने देते हैं प्रॉपरली, उसके बाद मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस प्रकार से वर्क कर रहा है और सारा प्रॉब्लम फिक्स हुआ है फिर नहीं, BGMI क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, 90 FPS देखने को मिल रहा है या फिर नहीं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अंतुतु बेंचमार्क रिजल्ट क्या हमें देखने को मिल रहा है ऑफिशियल अपडेट करने के बाद, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी इंतजार कीजिए। और अगर आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ था, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट न्यूज़ मिलता रहता है, जो कुछ भी यार सबसे पहले आता है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पे प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए जैसे ही अपडेट आता है सबसे पहले यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, उसके बाद यार कहीं पर आपको नजर आता होगा। तो अनिल मोन्टर टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन हो जाना ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलता रहे और टेस्ट करता रहूँगा, जो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा सारा कुछ मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलिए यार मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।